हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिरेमिक प्लेट हम कैसे पेंट करते हैं। हमारे घर में पुराने कप्स एंड प्लेट्स होते हैं जिनका सेट टूट चुका होता है। वो प्लेट्स एंड कप्स एंड सॉसर्स हम यूज़ नहीं करते। हम उन्हीं प्लेट्स एंड सॉसर्स को यूज़ करके हमारे लिए वॉल डेकोर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे हमारे घर में कोई भी पुरानी सिरेमिक प्लेट या सॉसर हो, उसको हम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो पुराने कप्स या मग्स पे भी ये पेंटिंग कर सकते हैं। मैंने मेरे कप्स के सॉसर्स यूज़ किए हैं इस वॉल डेकोर के लिए। फिर इस पे पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स। इसमें से आप मनचाहे कलर्स यूज़ कर सकते हैं। हम पहले डॉट पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं डॉट पेंटिंग करने के लिए हमारे घर में कौन से टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हम डॉट पेंटिंग करने के लिए घर में कोई भी पेंसिल हो जो फ्लैट बेस हो वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी पेंसिल में पीछे इरेजर्स लगे होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओनली कंडीशन इज़ दैट वो बेस फ्लैट होना चाहिए। फिर हमारे पास जो पेंटिंग करने के लिए ब्रशेस होते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। उनकी थिकनेस भी कम ज़्यादा होती है, तो आप अलग अलग थिकनेस के ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। फिर आप कोई भी मार्कर या पेन जिसका बेस फ्लैट हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक्चुअली ईयरबड्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इस वीडियो में ईयरबड्स नहीं यूज़ किए हैं। उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट टूल है टूथपिक। टूथपिक के दोनों एंड्स आप यूज़ कर सकते हैं, एक बहुत पॉइंटेड होता है और एक थोड़ा फ्लैट होता है, तो दोनों पॉइंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए हम 3 कलर्स यूज़ कर रहे हैं, वाइट, येलो एंड ग्रीन। पेंटिंग करते समय आप अपने हाथ में एक गीला कपड़ा ज़रूर रखें ताकि डॉट्स पेंट करने के बाद अपना कोई भी जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं वो उस क्लॉथ से आप वाइप कर सकते हैं। अब मैं आपको डॉट पेंटिंग सिखाते हुए कुछ टिप्स बताऊँगी। सबसे पहला टिप ये है कि अगर कोई भी डॉट गलत हो जाए तो आप प्लीज़ बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि आप उस क्लॉथ से वो डॉट आप पोंछ सकते हैं। अगर केयरफुली पोंछेंगे तो आपका डिज़ाइन नहीं बिगड़ेगा। सेकेंड टिप ये है कि आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं डॉट्स बनाने के लिए, उसको एकदम 90 डिग्री एंगल पे सीधा रखेंगे बेस के ऊपर। थर्ड टिप ये है कि जो भी डॉट्स हम बना रहे हैं वो थोड़े क्लोज टू ईच अदर, मतलब पास बनाइए, इससे डिज़ाइन अच्छी दिखती है। फोर्थ टिप ये है, ईजीएस्ट पैटर्न डॉट पेंटिंग का बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एक लाइन में पहले डॉट्स बना लीजिए और सेकेंड लाइन के डॉट्स बनाते वक्त दो डॉट्स के बीच में एक डॉट बनाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हम पूरा डॉट पेंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। फिफ्थ टिप ये है कि कोई भी स्पेस को फिल करने के लिए आप अलग अलग साइज़ के टूल्स यूज़ करिए और उससे डॉट्स बना के वो स्पेस फिल कर सकते हैं। सिक्स्थ टिप ये है कि आप 3 या 4 ही कलर्स यूज़ करिए डॉट पेंटिंग बनाने के लिए, बिकॉज इससे आपकी डिज़ाइन अच्छी और सुंदर ही दिखाई देती है। आप इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करिए और सेम पैटर्न बना सकते हैं आप, या तो सॉसर पे या प्लेट पे या आप कप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे बाकी और DIYs के वीडियोस देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे तो। इन सिरेमिक प्लेट्स को आप एज अ वॉल डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें अपने ड्रेसिंग टेबल पे या कोई भी स्टडी डेस्क पे एज अ ट्रिंकलेट डिश या फिर कोई सामान रखने के लिए डिश भी यूज़ कर सकते हैं।
सारा पेंटिंग हो जाने के बाद इस पेंट को ध्यान से सूखने दीजिए और सूख जाने के बाद इस पे एक कोट वार्निश का ज़रूर लगाएं ताकि ये पेंट अच्छी तरह से सील हो जाए। और आपकी सिरामिक प्लेट रेडी है, एकदम ज़ीरो बजट एंड क्विक DIY। ये सिरामिक प्लेट्स एक्चुअली मार्केट में बहुत महंगे रेट में मिलती हैं और आप अपने घर में इसे ज़ीरो बजट में आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसे हैंग कैसे करेंगे वॉल पे। इस टाइप के हुक्स आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएंगे और हमें चाहिए फेविक्रिल मोल्डेड। मोल्डेड के रेजिन और हार्डनर को अच्छे से मिला लीजिए और उसके दो सर्कल्स को प्लेट पे चिपकाएंगे। प्लेट पे चिपकाने से पहले थोड़ा ग्लू भी लगा लेंगे, फिर उसके ऊपर ये हुक लगाकर अच्छे से सील कर लेंगे मोल्डेड से। ये रात भर आप सूखने दीजिए ताकि ये अच्छे से सूख जाए और अगले दिन आप सुबह इसे मनचाही जगह पर टांग सकते हैं। सेकेंड प्लेट पर मैंने बहुत सिंपल सी डिज़ाइन पेंट की है, स्मॉल स्मॉल चेरीज आई हैव पेंटेड। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे फॉलो करिए। बहुत आसान तरीका है, पहले आप मार्कर से जो आपको डिज़ाइन चाहिए वो प्लेट पर ड्रॉ कर लीजिए एंड देन एक्रेलिक कलर्स यूज़ करके इसको पेंट कर लीजिए। पेंट करने के बाद पेंट को सूखने दीजिए और उसके ऊपर वार्निश लगाकर डिज़ाइन को सील कर लीजिए और आपकी डिज़ाइंड प्लेट रेडी है। मैंने एक और प्लेट पेंट की थी जिसमें मैंने सिर्फ फिश के पैटर्न्स बना के पेंट किए थे, ये भी बहुत सुंदर लगता है। सो ये बहुत एक अच्छा तरीका है रीयूज़, रिसाइकल या अपसाइकल करने का। जो हम चीज़ें फेंक देते हैं या फिर यूज़ नहीं करते, उन्हीं से हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बना के अपने घर को और सुंदर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए ज़रूर, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, बाय।